नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पे। आज के वीडियो में दोस्तों आपके लिए जो मैच कवर करने वाले हैं वो मैच है दोस्तों यहाँ पर पुंडीचेरी डेटा लीग का आज के दिन का दोस्तों पहला मुकाबला। सीरीज़ का ये दोस्तों 25वां मुकाबला है जो खेला जाएगा टीम स्मैशर्स वर्सेस टीम किंग्स के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस मुकाबले में आपको स्मॉल लीग की टीम में कौन से प्लेयर्स पिक करने हैं, कौन से प्लेयर्स आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में पिक करके चलने हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किसको बनाना है। तो आपको वीडियो कम्प्लीट वॉच करना है, पूरा देखना है अगर आप इस मुकाबले में विन करना चाहते हैं या दोस्तों आप कुछ भी अर्न करना चाहते हैं। बाकी जो भी मेरी अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइन पे टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय दोस्तों 15,700 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगहों पर सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा और ये आपके लिए ज़रूरी है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट। तो ये काम दोस्तों कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मैच के वेन्यू की। तो ये मैच खेला जाएगा कैप ग्राउंड जो कि है पुडुचेरी में, और अगर मैं बात करूं एवरेज इनिंग स्कोर की तो आपको यहाँ पर 90 के आसपास का स्कोर बनता हुआ नज़र आएगा। विकेट की मैं बात करूं जो तेज़ गेंदबाज होंगे वो इस विकेट पे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, ओवरऑल विकेट जो है वो यहाँ पे बैलेंस्ड रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों टीम स्मैशर्स की। तो टूर्नामेंट के अंदर इनकी टीम ने 6 मुकाबले खेले हुए हैं जहाँ पर दोस्तों 2 मुकाबले इनकी टीम जीती है, 3 मुकाबले इनकी टीम हारी है। जबकि अगर मैं बात करूँ टीम किंग्स की तो इनकी टीम ने भी टूर्नामेंट में 6 मैच खेले हैं जहाँ पर 3 मैच इनकी टीम जीती है, 3 मैच इनकी टीम हारी है। तो आप देख सकते हो कि एक एक्स्ट्रा मैच जो है वो यहाँ पर टीम किंग्स विन की हुई है। तो आप कह सकते हो कि किंग्स की जो टीम है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस मुकाबले में। बात करते हैं दोस्तों कीपिंग सेक्शन की। तो पहला नाम निकल के आता है किंग्स की ओर से बिश्नोई का। बिश्नोई की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इनका जो बैटिंग ऑर्डर है आपको ऑलमोस्ट मैं बता दूं कि थोड़ा सा नीचे ही रहने वाला है। लास्ट मैच में देखा जाए तो नंबर 3 पर बैटिंग करने आए थे, इससे जो पिछला मैच हुआ था वहाँ पर बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा नीचे था। लास्ट मैच में नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं, साथ में अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करते हैं लेकिन सिर्फ 5 रन ही बनाकर आउट हो जाते हैं। दूसरा नाम दोस्तों किंग्स की ओर से निकल के आता है गणेशन का। गणेशन लास्ट मैच में दोस्तों अपनी टीम के लिए ओपन करने ज़रूर आते हैं लेकिन बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे अरविंद आकाश की, तो ये अपनी टीम के कैप्टन हैं। लास्ट मैच में ये भी दोस्तों अपनी टीम के लिए ओपन करने आते हैं लेकिन ये सिर्फ दोस्तों 11 रन ही बना पाते हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो बैटिंग सेक्शन से आप कीपिंग सेक्शन से किंग्स की ओर से बिश्नोई के पास थोड़ा सा एडवांटेज है आपको पॉइंट्स देने का, क्योंकि हमें वो प्लेस लेने जो हमें पॉइंट दे सकें। तो बिश्नोई आपको नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए और साथ में आपको कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं लेकिन इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी के लिए मैं ए आकाश को अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ जो कि मुझे थोड़ा सा सेफ ऑप्शन लगते हैं, जो कि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे शिवा मुर्गन की जो कि स्मैशर्स की ओर से आते हैं। तो अगर मैं शिवा मुर्गन की भी बात करूँ तो इनका भी बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहता है। लास्ट मैच में तो इन्होंने शानदार इनिंग खेली, अपनी टीम के लिए ओपन करने आए थे और अपनी टीम के लिए 270 रन बनाकर गए थे, वो भी नॉट आउट। तो इस मैच में भी आप उम्मीद कर सकते हो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी जब आप नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे जलानी स्वामी इनकी टीम से विकेट कीपिंग कर रहे हैं पर इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो कीपिंग सेक्शन से मैंने यहाँ से 2 विकेट कीपर पिक करके रखे हैं, शिवा मुर्गन और यहाँ पे आकाश को। दोनों ही प्लेयर्स आपको टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करके देंगे पर आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट नहीं देंगे। बात करते हैं दोस्तों कि आप बैटिंग सेक्शन से किसको पिक करके चलोगे। तो बैटिंग सेक्शन में दोस्तों इस मैसेज की ओर से पहला नाम आता है प्रशांत का। प्रशांत की मैं बात करूं तो भाई ना तो लास्ट मैच में इन्होंने बैटिंग की है ना तो भाई लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग से एक विकेट जरूर निकाला, एक ओवर की बॉलिंग की हुई थी जहां पर एक विकेट इनको मिला था। तो आप अपनी टीम में लेके जाना चाहो रख सकते हो, अभी के लिए मैं बाहर रखूँगा। एच बालाजी लास्ट मैच में नहीं प्ले किए थे। पी सुनील कुमार की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो पी सुनील कुमार जो है आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हुए नजर आ सकते हैं लेकिन पी सुनील कुमार ने लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की है, अपनी टीम के लिए ओपन करने जरूर आए थे जहाँ पर देखा जाए तो कुछ खास नहीं, सिर्फ 10 रन ये बना पाए थे। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है। तो अभी के लिए आप इस मैसेज की ओर से इनको ट्राई करोगे। इसके बाद दोस्तों इस मैसेज की ओर से बाकी और कोई बैट्समैन जो है यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं है। जीएस करके एक प्लेयर है जिनका नाम गणेशन यस है जो कि लास्ट मैच में नंबर 3 पर बैटिंग करने जरूर आए थे लेकिन बिना बड़ी नहीं खेलकर आउट हो गए, सिर्फ 8 रन ही बना पाए। गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं तो गेंदबाजी से इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग जरूर की थी जहां पर इनको एक विकेट मिला था। तो आप यहां से इनको ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपको बैटिंग और बॉलिंग करके दे सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों किंग्स की ओर से कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो किंग्स की ओर से अगर मैं बात करूँ चंद्रशेखर की, तो लास्ट मैच में सब्सिट्यूट के तौर पर प्ले किए थे और सब्सिट्यूट के तौर पर इनको मौका भी मिला था। लास्ट मैच में इन्होंने अपनी टीम के लिए 1 ओवर की बॉलिंग की और अपनी टीम के लिए एक विकेट भी निकाला, तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इनको ट्राई करना। बाकी देखा जाए तो इनकी ओर से
सूर्य शंकर की भी ऑप्शन आती है जो कि आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, पर इनका जो बैटिंग ऑर्डर है भाई नीचे है, तो मैं ट्राई करने वाला नहीं हूँ। और विष्णु के की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो विष्णु के का भी बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो मैं ट्राई नहीं करूँगा। तो बैटिंग सेक्शन से दोस्तों तीन बैट्समैन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो यहाँ से चंद्रशेखर, सुनील कुमार और यहाँ से GS हैं। बाकी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, सेफ जाना है, तो आप यहाँ से प्रशांत एम को ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो पहला नाम निकल के आता है अरुणाचलम वी का। अरुणाचलम वी की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट मैच में इन्होंने एक ओवर की बॉलिंग की है और एक विकेट निकाला है, बाकी टूर्नामेंट के सबसे अच्छे विकेट टेकर बॉलर हैं। दूसरी ओर ऋषि रोहत ने भी लास्ट मैच में दो ओवर की बॉलिंग की, एक विकेट इनको भी मिला है। शिवा कुमार यस की मैं बात करूँ तो लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग से तो अच्छा परफॉर्म किया है, दो विकेट निकाले ही है, साथ में दोस्तों इन्होंने बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी की है। लास्ट मैच में अपनी टीम के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी भी करने आए थे, जहाँ पर अपनी टीम के लिए 31 रन बनाते हैं, वो भी नॉट आउट, तो आप यहाँ से इनको भी ट्राई करोगे। बाकी देखोगे तो आप यहाँ से आर माथन की ऑप्शन ज़रूर इनकी ओर से आती है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रही है। तो ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों आपके लिए जो तीन ऑलराउंडर्स मस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मैशर्स की ओर से, वो यहाँ से अरुणाचलम वी हैं, ऋषि रोहत है और यहाँ से दोस्तों शिवक कुमार यस हैं। बाकी मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो इनकी अपनी टीम है किंग्स की ओर से अगर मैं बात करूँ तो राजगोपाल की बात की जाए तो लास्ट मैच में इन्होंने दो विकेट जरूर निकाले, लेकिन उससे जो पिछले मुकाबले हुए थे वहाँ पे राजगोपाल थोड़ा सा फ्लॉप रहे थे, लेकिन लास्ट मैच में अच्छा करके आए, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी इनकी ओर से विशाख करके एक प्लेयर है, जिन्होंने लास्ट मैच में तो परफॉर्म अच्छा नहीं किया था, लेकिन उससे जो पिछला मैच हुआ था वहाँ पर ठीक ठाक किए थे। लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग तो की पर विकेट इनको भी नहीं मिला है। तो देखा जाए तो दोस्तों चार ही ऑलराउंडर्स मुझे यहाँ से इंपॉर्टेंट लगे, तो मैं यहाँ से इन चारों ही ऑलराउंडर्स को पिक करूँगा और किसी को मैं ट्राई करने वाला नहीं हूँ। बात करते हैं दोस्तों कि आप बॉलिंग सेक्शन से किसको ट्राई करोगे। तो बॉलिंग में देखो स्मैशर्स की ओर से पहला नाम निकल के आता है हर्षित का। हर्षित की बात की जाए दोस्तों तो लास्ट मैच में इन्होंने अपनी टीम के लिए बॉलिंग की है सिर्फ एक ओवर की, पर कोई भी विकेट इनको नहीं मिला है। दूसरा नाम दोस्तों यहाँ पे निकल के आता है S राजू का। S राजू की मैं बात करूँ तो लास्ट मैच में इनका भी परफॉर्मेंस कुछ भी खास नहीं है। नीचे की ओर आओगे तो आप देखोगे कि स्मैशर्स की ओर से और कोई बॉलर इतना कुछ खास नहीं जिसको आप ट्राई कर सको। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि भाई किंग्स की ओर से कौन से बॉलर इंपॉर्टेंट है। तो किंग की ओर से आप यहाँ पे नमन शर्मा को ट्राई कर सकते हो। लास्ट मैच में भले इनको विकेट ना मिला हो, लेकिन जिस मैच में इनका सिलेक्शन कम था वहाँ पर इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। तो T10 का मैच है, कोई भी प्लेयर कभी भी अच्छा कर सकता है। बाकी यहाँ पर मूरे ने प्रॉपर लास्ट मैच में बॉलिंग की थी, तो मैं यहाँ पर इनको पिक करूँगा। बाकी अगर इस मैच में P यादव खेल दें तो आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर S राजाराम की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में सबसे फ्लॉप प्लेयर हैं, ज़्यादातर मैचेस फ्लॉप ही इनके गए हैं। तो अभी के लिए हमारी टीम जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, जो भी वाइट ट्रम्प प्लेयर्स थे, हमने उनको अपनी टीम में पिक करके रखा है। 6 खिलाड़ी मैंने यहाँ पर दोस्तों इस मैसेज के लिए, 5 खिलाड़ी दोस्तों मैंने यहाँ पे किंग्स के लिए। बात करते हैं दोस्तों की मेरी जो ये टीम है इसमें मैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखो कैप्टन वाइस कैप्टन के 2 से 3 ऑप्शन है आपके सामने। पहला तो आप चाहो तो किसी ऑलराउंडर को बना दो, जैसे कि ऋषि रोहत और अरुणाचलम को। बाकी मेरा जो मन है मैं यहाँ से शिवा कुमार यस को कैप्टन करने वाला हूँ। वाइस कैप्टन मैं यहाँ से ऋषि रोहत को करूँगा। बाकी आप अरुणाचलम को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। बाकी अगर आप रिस्क ले पाओ तो यहाँ से भी सुनील कुमार भी एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। तो हमारी टीम जो है वो यहाँ पे रेडी है, इसको सेव करते हैं। एक बार आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। सेम टीम के साथ दोस्तों आप स्मॉलिक ज्वाइन करेंगे, सेम टीम के साथ आप दोस्तों ग्रेनलिक ज्वाइन करेंगे, तो एक बार आप टीम का प्रीव्यू देख लें। जो भी चेंज करना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइन पे टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, सीधा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाए, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा। अभी के समय दोस्तों 15,700 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन है और रोजाने यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाएं। फाइनल अपडेट, फाइनल टीम जो है आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस कर लेना आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।